Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is fallible. It was a request by Vijay Kumar, and Vijay, here's your lesson. Fallible is an adjective and it means not perfect, likely to make mistakes. देखे, अगर आपने किसी चीज के बारे में ये कहना है कि ये चीज परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां हैं, तो उसके लिए आप ये एडजेक्टिव जो फेलेबल है ये यूज करेंगे। और इसके सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो हम इंसान है। हम इंसान जो है हम परफेक्ट नहीं होते, हमारे अंदर खामियां होती हैं और हम गलतियां करते हैं, ठीक है, वी मेक मिस्टेक्स, ठीक है, हमसे गलतियां हो सकती है और हम करते भी हैं, तो वी ह्यूमंस आर फेलेबल, ठीक है, कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, वो ह्यूमंस जो है ना हम लोग परफेक्ट नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं और हमारे अंदर खामियां होती हैं और हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की जो ना वो गुंजाइश रहती है, ठीक है, तो हम लोग फेलेबल है। इसी तरह से अगर आपने किसी सिस्टम को कहना है कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां हैं, ये सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है, तो आप उस सिस्टम को फेलेबल कह सकते हैं, या किसी मैकेनिज्म को फेलेबल कह सकते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है ये परफेक्ट नहीं है, या आप किसी स्ट्रेटजी को फेलेबल कह सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाई गई और आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी जो है ना इसमें भी कमियां है, इसमें खामियां हैं, ये इम्प्रूव हो सकती है, ये परफेक्ट नहीं है, इससे बेहतर स्ट्रेटजी बन सकती है, तो आप उस स्ट्रेटजी को फेलेबल कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपको लग रही है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें मिस्टेक्स है, इसमें खामियां है, ये इम्प्रूव हो सकती है, तो वो चीज के लिए आप ये एडजेक्टिव जो फेलेबल है ये यूज करेंगे। आई होप कि आपको फेलेबल का मतलब समझ में आ गया। विल ऐसी सम एग्जांपल्स। अ फर्स्ट एग्जांपल इज प्लीज फॉरगिव मी, आई एम फेलेबल। अब कोई इंसान कह सकता है कि अपनी गलती की जो है ना वो किसी से माफी मांग रहा है, तो वो कह सकता है कि देखिए प्लीज मुझे जो है ना आप माफ कर दो, क्योंकि मैं फेलेबल हूँ, क्योंकि मैं जो है ना परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में खामियां हैं और मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अ सेकंड एग्जांपल इज वी पुट आवर ट्रस्ट इन एक्सपर्ट्स बट दे आर आल्सो फेलेबल, कि हम जो है ना किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उन पे अपना पूरा जो ट्रस्ट हम लगा देते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे, लेकिन वो भी फेलेबल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी हो सकती है और वो भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने एल्डर्स यहाँ पे एक्सपर्ट्स की जगह पे एल्डर्स भी लगा सकते हैं, कि हम लोग समझते हैं कि हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमेशा सब कुछ ठीक करते हैं, पर नहीं, हमारे एल्डर्स भी फेलबर्ड होते हैं, ये वो भी जो है ना मिस्टेक्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी हर कही हुई बात या उनका हर कहा हुआ जो फैसला है वो परफेक्ट हो, वो उनका भी कहा हुआ फैसला या किया हुआ फैसला या कही हुई बात जो है वो गलत हो सकती है, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो फेलेबल, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज सिक्योरिटी मेजर्स वर फेलेबल एंड वर इजी टू बाईपास, कि जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए थे किसी भी जगह की सिक्योरिटी का, जो भी उस वक्त जो है ना मेजर्स लिए गए थे कि ये कुछ सिक्योरिटी का जो सिस्टम है ये बनाया जाएगा, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं था, वो फेलेबल था, उसमें कमजोरियां थी, उसमें कमियां थी, खामियां थी, और जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी का जो सिस्टम था वो बाईपास हो गया, ठीक है। Okay friends, our lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video and see you next lesson. Allah Hafiz.